हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद इलेक्ट्रिक टिप्स यूट्यूब चैनल। आज हम बनाकर दिखाने वाले हैं 7.5 kV अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर की फील्ड एक शॉर्ट हो चुकी है आपस में मोटी पतली, इसी को आज हम बनाकर दिखाने वाले। अल्टरनेटर हम खोल लेते हैं। अल्टरनेटर खोलने के बाद बताएँगे फिर फील्ड कैसे रिपेयर की जाती है। पहले हम टेपिंग खोल कर कनेक्शन खोल लेते हैं, फिर फील्ड चेक करते हैं कौन सी खराब है, वही फील्ड हम खोल लेते हैं। यह फील्ड हमारी मोटी पतली आपस में साइड है, इसको हम खोल लेते हैं पहले। फील्ड में आप देख पा रहे होंगे कि मोटी फील्ड में कॉटन टेप नहीं लिपटा था, इसी वजह से फील्ड आपस में शॉर्ट हो चुकी थी। अब हम मोटी फील्ड में कॉटन टेप लपेट के पतला तार इसी पे लपेटते हैं तो फील्ड बनाना चालू करते हैं। फील्ड के गुटके का साइज नाप लेते हैं। फील्ड के गुटके का साइज है 6 इंच और गोलाई भी नाप लेते हैं। गोलाई है हमारा 5 इंच 2 सूत, 5 इंच 2 सूत गोलाई है इसकी। मोटी फील्ड पे कॉटन टेप हो चुका है, फन में पे बन चुकी है, सीट लगाकर पतला तार लपेट लेते हैं। इस पर मोटा तार है 53/16, वजन है इसका 1 किलो 200 ग्राम। पतला तार है 24 नंबर, इसका वजन है 1 kg पूरा। अब फील्ड पतली लपेट कर हम फील्ड को कॉटन टेप से कर लेते हैं और वार्निश करके हम कंप्लीट करते हैं। Thank you.
ऊपर डायबोर्ड हमारे कनेक्शन प्लेट में लग चुके हैं। ये तार आउटपुट के हैं बिजली वाले, ये फील्ड वाले तार हैं हमारे दोनों, और ये तार हमारा एक फील्ड उस पर गया चिमटी पर, एक गया है डायबोर्ड प्लेट पर। एक ये तार हमारा आया हुआ है चिमटी का और ये एक नीचे डायबोर्ड प्लेट। अब डायबोर्ड ब्रिज किस लेते हैं हम, ये फील्ड वाले तार हैं इधर कस लेते हैं, इस साइड में हमारे दोनों फील्ड वाले तार कसेंगे डायबोर्ड ब्रिज में, और दूसरी साइड हमारे एक चिमटी पे जो तार गया है, एक कनेक्शन प्लेट पे तार गया, ये दोनों तार दूसरी साइड डायबोर्ड ब्रिज में कसेंगे। ये हमारे कनेक्शन कस चुके हैं, अब हम टेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है, हम टेस्टिंग कर लेते हैं इसको। अब हम इसको मोटरसाइकिल से चेक कर रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से निकाला है, हमारा लोड भी बढ़िया ले रहा है।